सिटी इंडिया। कभी दबाव नहीं दिया। ये रोल शमी भविष्य में लेना चाहेंगे टीम इंडिया का कैप्टन? अरे कौन नहीं चाहेगा भाई, मैं तो अगर किसी कंट्री की कमान कोई संभालने के लिए तैयार ना हो तो भाई वो तो अवतार हो सकता है। मैं तो चाहूँगा मैं चाहूँगा हमेशा कि हाँ अपनी कंट्री के लिए मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लेकर चलूँ। इसके लिए भी मादा चाहिए, इतना क्लैरिटी के साथ शमी भाई बोलना कि मन में जो है वो ज़ुबान पर आ जाए, और इसके लिए मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती होगी। और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप सामने बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी को इस पूरे देश ने देखा है। आप जिस तरीके से मैदान में खेलते हैं वो अलग बात है, और ज़िंदगी ने जो खेल आपके साथ किए हैं वो भी पूरे देश ने देखे हैं। ऐसे मौक़ों पर देश के लिए जी जान से लग जाना, कोई शिकायत नहीं करना, इसके लिए मादा चाहिए होता है। अब जिस सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, और ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि शिखर धवन भी यहाँ पर आए थे, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक, आपको भी पता है, पोस्ट लिखा है बच्चे को याद करने का। हमें पता है आपकी ज़िंदगी भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मोड़ से गुजरी है, क्या आप एक बाप होना मिस करते हैं? हमेशा, कौन नहीं चाहेगा। मुझे एक भी इंसान बता दीजिए कि जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को मिस ना करता हो। वो अलग बात है कि हाँ सिचुएशंस क्या हैं, आपकी कंडीशंस क्या हैं, सामने से आप नहीं चाहते या सामने वाला नहीं करने देता, वो चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन जहाँ तक मिस करने का सवाल है, अपने ब्लड को तो कोई नहीं छोड़ सकता। इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट? ऑब्वियसली यार, क्योंकि आप कितनी सारी यहाँ फैमिली बैठी हैं, आप बताइए, आप अपने बच्चे अपनी फैमिली को कौन मिस नहीं करता है या कौन मिस करना नहीं चाहता होगा। शायद ही एक आध बदनसीब ऐसा होगा जो शायद याद ना करे। तो आप बात करते हैं अपनी बिटिया से? बीच बीच में होती है बात, अब जितना पॉसिबल होता है, जितना करने देती है वो उतना हो जाता है, अदरवाइज मिलने तो आज तक नहीं दिया। अपनी बेटी से कुछ कहना चाहे एक बाप तो क्या कहेगा? बस यार, मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका एजुकेशन अच्छा जाए। मैं डजेंट मैटर कि हाँ हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उस पर लोड नहीं आना चाहिए। मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। आपको ये लगता है शबी भाई कि मर्दों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की कस्टोडियन के तौर पर हमेशा माँ को पहला दर्जा मिलता है, और एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत आसानी से पूछ सकती हूँ, लेकिन एक बाप जो है उसे ज़्यादा इस परेशानी से गुजरना पड़ता है? देखिए, ये लॉ है हमारे यहाँ का कि लेडीज़ को ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, तरजीह, हाँ वो दिया जाता है। तो कहीं पे वो लोग सही भी होते हैं, कहीं पे तो बहुत मिसयूज़ भी होता है इस चीज़ का। आपने देखा है कि लड़कों को तो पता नहीं कौन सा ही ऐसा होता है कि हमने गुनाह कर लिया है लड़कियों के पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने अगर ओपन रखा है लेडीज़ के लिए, तो आप लड़कों को भी दीजिए या फिर इक्वल दीजिए, जो गलत है उसको सजा दे दीजिए, बात ख़त्म है। वेल सर, शमी भाई, मैं आपको थोड़ा सा वापस फिर वो 22 गज की पट्टी पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपने कहा कि कप्तान बनना चाहते हैं। फैंस आजकल कह रहे हैं, एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ करते थे साउथ अफ्रीका के लिए, चोकर्स। हम सभी फाइनल हार जा रहे हैं, हम फाइनल हार जा रहे हैं, हम बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत आगे निकल रहे हैं, लीग मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। क्या लग रहा है कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ हम छूट रहा है हमसे जो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप चैंपियन और हम पहुंच के पीछे हट गए, फैंस को क्या कहेंगे? यार फैंस को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो हमेशा आप लोग हमारे साथ होते हो, वाह वाह करते हो, हमें हीरो बना देते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 11 मैच हैं तो 11 में से 11 ही जीतने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो दिन हमारा नहीं है हम उसको बना पाएँ अपनी तरफ, क्योंकि नसीब को कोई नहीं पलट पाया है। आपके नसीब में जो है वो लिखा है और वो आपको ही मिलेगा। हाँ, आप अगर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आप परफॉर्म पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप एफर्ट पे, जब एफर्ट लगा रहा है बंदा उसके
एफर्ट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यार ये नहीं बोल सकते कि हम सेमीफाइनल में जाकर हम क्यों हार गए या फिर हम फाइनल में जाके हम क्यों हार गए, क्योंकि जवाब तो किसी के पास नहीं है। तब तो आपने नहीं पूछा ये बात, जब हम 10 के 10 मैच जीत कर गए थे, सेमीफाइनल जीत कर गए थे, तब तो आपने ये नहीं पूछा कि हम क्यों जीत गए। तो सवाल उठाना, क्वेश्चन मार्क लगाना मेरे पास भी आता है, मैं आप लोगों पे भी लगा सकता हूँ आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही वे में चलना शुरू कर दो। एक कमेंट आता उसके पीछे वाह 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 हो जाती है कि हम जिधर निकल रहे हैं उसके पीछे चल रहे हैं, जिसको खींचना शुरू कर दिया उसको खींचना शुरू कर दिया है। अगर सच्चा क्रिकेट से प्यार करते हो आप, तो आप उसको सपोर्ट करो अच्छे में भी और ख़राब में भी। शमी भाई, आजकल हम ये देखते हैं रुबिका जी कि मन्नत के बाहर, शाहरुख खान के घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है सेल्फी के लिए, वो आजकल आपके साथ भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बाहर जिस तरह से लोग खड़े होते हैं और आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है भैया आओ खिंचवाओ। तो ये जो एक नया एड ऑन मैं कहूँगा आपके फैंस में जो हुआ है यार, प्यार है वो, बस क्या बोलूँ मैं। क्यों, ये मेरी फैमिली में भी मैंने शुरू से देखा है, क्योंकि पापा से मिलने बहुत लोग आते थे, तो बचपन से आदत थी कि लोग आते हैं मिलते हैं, हाय हेलो होती है, इरिटेशन नहीं होता कभी, ऐसा नहीं है। और वर्ल्ड कप में जो चेंजेस हुए हैं, जो प्यार मिला है लोगों से यार, वो तो अलग ही है। अब उसमें अगर मेरा जंगल में फार्म हाउस बना हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई घर नहीं है आसपास, वहाँ पे हम सब लड़के लोग, भाई लोग, फैमिली लोग रहते हैं, अपना खा के निकल जाते हैं रात को, तो अगर वहाँ पे सुबह से कोई 500-500 आदमी लोग आते हैं, तो किसी प्यार की वजह से आते होंगे यार। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं कहीं मीटिंग कर रहा हूँ बैठा हूँ, उस टाइम नहीं जा सकता, वो मेरी भी मजबूरी है। लेकिन वो लोग जब अंधेरे में भी, ठंडी में भी आप बाहर खड़े हो, तो मुझे फिर ऐसा लगता है, मैंने नहीं यार ये जाती है, फिर 2 मिनट के फोटो के लिए आप क्या ही मना करोगे उस चीज़ को। एक मैच था सही फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक कैच आपसे ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद जो फैंस, क्योंकि मैं खुद भी ग्राउंड में था, लेकिन फैंस का जो उस वक्त रिस्पॉन्स था वो बहुत पॉजिटिव था, इस रिस्पॉन्स पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में वो कैच बहुत टफ सिचुएशन में गिरा था मुझसे, हालांकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कैच मैंने ड्रॉप किए हो, बट छूटने के बाद मुझे भी बहुत ख़राब लगा था, लेकिन उसके बाद मुझे सबसे अच्छा जो लगा, हम मैच तो जीत गए, वो तो उसकी तो हर आदमी को खुशी थी कि हम फाइनल पहुँच गए, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि पूरे ग्राउंड में मुझे एक फेस भी ऐसा नहीं दिखा जिसने कोई ऑब्जेक्शन या बैड फेस बनाया हो। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है शमी भाई, इसीलिए क्योंकि आप यहाँ अक्लियत से ताल्लुक़ रखने वाले, माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान हैं, आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंच से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है, उनको कोने में घसीट दिया गया है, और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं, यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और मुसलमान अभी डरा हुआ है बहुत, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देने वालों में से एक हैं। नहीं यार, जहाँ तक सवाल हिंदू या मुसलमान का है, देखो सबको हक बराबर मिला है, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते, या जहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर परेशानी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता है, वो सीधी सी बात है। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएट आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए हैं, तो वो लोग चाहते ही वो हैं,